पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर आइसोलेटेड वेदर रहा है। एक दो साल हल्की से मध्यम वर्षा हुई है, जिसमें कंधमाल में या सबसे अधिक जीएजगिरी में 37.6 डिग्री सेल्सियस वर्षा दर्ज की गई है। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर चांदबोली और जगतसिंहपुर 38.8 डिग्री सेल्सियस गया है। भुवनेश्वर का 38.4 और कटक का 37.8 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया। अब की ओवरऑल उड़ीसा में तापमान अभी जो है अभी भी बिलो नॉर्मल रह रहे हैं। बात सिग्नल वेदर सिस्टम की, तो सिग्नल वेदर सिस्टम दो सिस्टम है जो कि उड़ीसा पे प्रभाव डाल रहे हैं। डायरेक्टली तो ऊपर उड़ीसा के नहीं है, जिसमें एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो कि साउथ छत्तीसगढ़ नेबरहुड पे 0.9 किलोमीटर अबव मीन से लेवल पे है, जो कि एक क्लाउडी वेदर फॉर्म कर रहा है हमारे साउथ उड़ीसा पे, वही वेदर फॉर्म कर रहा है। ट्रफ और डिसेंडिंग लाइन जो कि ईस्ट विदर्भ से होती है नॉर्थ इंटीरियर तमिलनाडु जो कि क्रॉस तेलंगाना इंटीरियर कर्नाटक 1.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल पर लाई कर रही है। अगले 5 दिन तक उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा रहने की संभावना है एक दो स्थान पर। उसके अलावा डे वन में हेल और हैवी रेनफॉल के लिए भी ऑरेंज वार्निंग दी गई है। डे वन में इंटीरियर उड़ीसा में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे वन यानी आज 8 जगह पर हैवी रेनफॉल की और 6 जगह पर हेलस्टॉर्म के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है, जिसमें ऑरेंज वार्निंग आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी सर्वर विंड स्पीड रीचिंग 40-50 km/h, उसमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है आपके मयूरभंज, केवंझर, सुंदरगढ़, झारसुगढ़, संबलपुर, बारगढ़, बुलांगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी और नवरंगपुर। उसके अलावा येलो वार्निंग में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि गस्टी सर्वर विंड स्पीड रीचिंग 30-40 km/h और आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए येलो वार्निंग है बालासोर, भद्रक, जाजपुर, कटक, ढेंकना, अनुगुल, देवगढ़, सोनपुर, बोध, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद 1 तारीख को भी उड़ीसा में जो हमारा नॉर्थ उड़ीसा और साउथ में बोध, कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़, गजपति, कोरापुट, मलकानगिरी, जहां पर आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है और गस्टी सर्वर विंड स्पीड 30-40 km/h रहने की संभावना है। 2 तारीख को भी उड़ीसा में जो साउथ कोस्ट उड़ीसा, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। 3 तारीख को भी उड़ीसा में साउथ उड़ीसा और अनुगुल, देवगढ़, केवंझर, मयूरभंज में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है, येलो वार्निंग दी गई है। डे 5 में भी आप देख रहे हैं केवंझर, मयूरभंज और गंजम, गिरिडीह, रायगढ़, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए येलो वार्निंग दी गई है। फिलहाल उड़ीसा की बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो अगले 4-5 दिन तक मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। भुवनेश्वर का तापमान 39-40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है।